घमासान.com, मैं हूं आपके साथ बागीशा और आज हमारे बीच मौजूद है जाने माने कवि, लेखक और ज्योतिष शशिकांत गुप्ते जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर सबसे पहले हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी घमासान चल रहा है, चुनावी रण बन रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है सर, आगे क्या हो सकता है, क्या स्थितियां बन सकती है? व्यवस्था है ज्योतिष में ये जो राजनीतिक भविष्यवाणी की जाती है इसके लिए एक शाखा है अलग से, उसको बोलते हैं हिंदी में मेदिनीय शाखा, इन इंग्लिश में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको, MUNDEN, मुंडेन। इसमें कुछ आधार के लिए जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त रात के 12 बजे, उसमें दिल्ली को के लैटिट्यूड को लेकर, दिल्ली का एक्शन, दिल्ली की राजधानी जो है अपनी देश की राजधानी उसकी पत्रिका बनाई जाती है। दूसरा 26 जनवरी 1950 को 10:18 पे हमारा संविधान लागू हुआ था उसकी पत्रिका बनाई जाती है। और जब चुनाव के माहौल के आसपास जो अमावस्या पूर्णिमा होती है उसको अमांत और पूर्णिमांत का समय बोलते हैं, उसकी कुंडलियां बनाई जाती है। अब ये जो सारा जितनी कुंडलियां बनाने के बाद उसमें जो ग्रहों के आपस में योग बनते हैं वो जो वैज्ञानिक आधार जिसको बोलते हैं ज्योतिष का, उसमें अंशात्मक देखे जाते हैं कि डिग्री वाइज योग बन रहे हैं कि नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा। अब अपन तकनीक में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो इसमें जो मैंने अभी जो ये सारी कुंडलियां बना के जो अध्ययन किया है उसमें जो स्थितियां बन रही है उसमें मैंने जो कुछ अध्ययन करके निकाला है, अपना पहला जो चरण जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होने और उसके बाद में जो है 7 चरणों में ये चुनाव होने वाला है। तो ये जो 11 से 6 मई तक जो 5 चरण शुरुआत में जो मतदान होगा जहां जहां भी, तो उसमें जो है देश के उत्तरी भाग में अल्पसंख्यक और दलित जो है उनका मतदान का प्रतिशत अपेक्षा से बहुत अधिक होगा और दलित वर्ग का, हाँ अल्पसंख्यक और दलित वर्ग का जो है मतदान उनका जो है तादाद जो रहेगी मतदान की वो अपेक्षा से बहुत अधिक रहेगी और उसका जो नतीजा होगा कि सत्ता पक्ष को उसका नुकसान हो सकता है। जो आज मौजूदा जिस जो NDA की सरकार है उसको उसका नुकसान हो सकता है। दूसरा जो है पश्चिम दिशा में भी तकरीबन यही ग्रहों की स्थिति बन रही है, दलित वर्गों की ये जो आकलन है यही लागू पश्चिम दिशा में भी लागू होता है। दूसरा भी इसमें जो है जो अभी जो कुछ ग्रहों की बदले हैं जैसे 23 तारीख को राहु बदला है, 23 मार्च को जो ये स्थितियां बनी है, इसमें कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि राहु गुरु का जब षड्ष्टक योग बनता है और जिस तरह से जिस राशियों में राहु है वो भ्रम की स्थिति निर्मित करता है, इल्यूजन जिसको बोलते हैं अपन, मतलब जो है कैसा लगेगा कि हमारा खूब खूब प्रचार हो रहा है और खूब हमको बहुमत मिल रहा है, लेकिन जब एक्चुअल स्थिति बनेगी वोटर की तो भले वोटर तो गायब हो गए हमारे, वो भ्रम की स्थिति ज्यादा निर्मित होगी, भ्रम की स्थिति ज्यादा, हाँ मतलब सत्ता पक्ष के लिए भी एक थोड़ा सा से पार्टी प्रचार प्रसार करी तो ऐसा नहीं कि मतदान को मिले ही सही नहीं। दूसरा यह है कि पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें जो चुनाव की स्थिति है उसमें जो है जब चुनाव का मतदान की स्थिति जब होगी जिस दिन मतदान होगा उस क्षेत्र में उसमें लगा बहुत टक्कर की, मतलब दोनों में जो पक्ष और विपक्ष में बहुत टक्कर की, मतलब वो स्थिति है बनी जैसे नेक टू नेक जिसको बोलते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे उलट फिर करने वाले रहेंगे। तीसरा इसमें यह है किसी सत्ता पक्ष के नेता का कोई बयान जो वक्तव्य ऐसा कुछ होगा उसका जो विवादित हो सकता है वो कुछ कानूनी उस पर कार्रवाई होने की भी संभावना बनती है। दूसरा किसी बड़े राजनेता के द्वारा ऐसा कुछ बयान या ऐसा कुछ स्टेटमेंट वो दे सकता है जिसमें संवैधानिक संकट भी चुनाव के द्वारा निर्मित हो सकता है। तीसरा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है कि जो धार्मिक उन्माद जो है ये पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र जो है वहां पर ये चुनाव के दौरान धार्मिक उन्माद पैदा होने की भी स्थितियां इसमें ग्रहों की बन रही है, वो भी एक भ्रम की स्थिति निर्मित करने वाली है। दूसरा जो अभी कोई बहुचर्चित धार्मिक व्यक्ति का सेक्स स्कैंडल उजागर होगा जैसे अभी तक जो बाबाओं के इसमें और किसी के जिसके लिए लोगों का बड़ा एक बहुत अच्छा, लेकिन वो भी उसमें चुनाव के दौरान इसी दौरान जो है ये चल रहा है इसके अंदर। दूसरा जो है इसमें कुछ चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा इसमें जो उनके फॉलोअर हैं उनका तो असर पड़ना ही है।
और इसके लिए जो होगा जो उनके जो अनुयायी जो उनको मानते हैं जो उनके साथ रहते हैं राजनीतिक उसका फायदा उठाने वाले लोग हैं, विपक्ष उसका फायदा जरूर उठाएगा, विपक्ष तो उठाएगा, निश्चित उठाएगा उसका। दूसरा यह है अंतिम दो चरण जो है इसके उसमें सत्ता पक्ष के अंदरूनी विवाद जो है वो ज्यादा उनके लिए घातक होंगे बनिस्पत विपक्ष से लड़ाई करने के। मतलब उसमें दो अंतिम जो चरण है उसके अंदर विपक्ष तो अपना जो भी विपक्ष का जो भूमिका तो निभाएगा ही, जो उसका आक्रमक रहना जो भी, लेकिन ये सत्ता पक्ष के अंदरूनी विवाद जो है वो विवाद ज्यादा उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर जो है जो मौजूदा सत्ता पक्ष है उसकी जो सीटों की तादाद है वो काफी नीचे आने की संभावना है, जो मेरा अनुमान है। जी सर, सर जैसे आपने बताया कि राजनीति माहौल ये चल रहा है, अंदरूनी विवाद हो सकते हैं, कुछ बाबाओं को लेके बाहरी बातें चल रही है, तो इसमें चुनाव मतलब प्रभाव पड़ेगा, तो सर इसका आधार क्या निकलता है, क्या आधार है इसमें? जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो पूरी पत्रिका इतनी बनती है जी, उसको पूरा लेके उसके एक एक ग्रहों का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। अब हम पूरा अगर उसमें तकनीकी जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो उसमें जो हम कहते हैं कि ये जो ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है तो इस तरह से इसका असर होता है ये। दूसरा इसमें एक और है कि ये जो विदेश के साथ जो हमारे संबंध है उसमें विवाद की स्थिति बनेगी, जैसे अभी बीच में ये हुआ था पुलवामा और ये बालाकोट और ये इस तरह की स्थितियां बनेंगी, लेकिन युद्ध नहीं होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि मतलब मैंने पहले भी बोला है विदेशी यात्रा को लेकर जैसे पुलवामा हमला हुआ था युद्ध नहीं होगा, लेकिन चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है, जैसे भाजपा पार्टी लगातार जैसे नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरा करते हैं यात्रा करते हैं और विपक्ष सवाल करते हैं विदेशी यात्रा को लेकर, तो उस पर क्या चर्चा है सर, आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है कि इसका कोई चुनाव पर ना तो भाजपा को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है ना विपक्ष उसके लिए कोई उसमें अपना फायदा ढूंढ सकता है निकाल सकता है। ये स्थितियां तो बनेगी, आरोप उन पर लगेंगे, वो विदेश घूमेंगे या आरोप लगाएंगे, इससे चुनाव के मतदाताओं में कोई फर्क पड़ेगा? या मोदी जी इतना विदेश घूम के इसलिए उनको वोट ज्यादा बढ़ जाएंगे या विपक्ष उनको करेगा, देखते हुए ऐसा कुछ स्थिति नहीं बनेगी। दूसरा जो है विदेशों से अपने जो संबंध है वो आगे चलकर जो है वो इस चुनाव के बाद की जो स्थिति बनेगी वो अच्छे संबंध बनते जाएंगे, क्योंकि अभी चाहे सिर्फ एक स्थितियां बनी है कि अब संबंध बन रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो विदेशी कोई यहाँ आए नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, कोई यहाँ कल कारखाने खुले नहीं है अभी, लेकिन आगे चल के ये होने की संभावना है। अब उसका श्रेय किसको जाता है वो अगले चुनाव में जो उसका वो रहेगा। सर जैसा कि आपने बताया था पहले कि विधानसभा चुनाव में परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन हुआ, जैसा कि आपने बताया कि परिवर्तन हुआ, तो इस चुनाव को लेकर सर आपका क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर? इसमें जो है परिवर्तन की जो अभी जो स्थितियां बन रही ग्रहों की उसके अंदर पूरी पूरी संभावना है परिवर्तन की, क्योंकि इसमें जो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें मैंने कहा ना कि जो कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि जो ग्रह की स्थिति निर्मित करेंगे सत्ता पक्ष के लिए और उनके द्वारा ऐसी कुछ गलती जैसे मैंने कहा आपको बयान दिए जाएंगे क्या, तो वो उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। जी सर जैसा कि आपने बताया कि बाबा को लेकर खुलासा होगा, सर किस बेस पर क्या मतलब क्या अफेक्ट पड़ेगा इस पर? भाजपा पार्टी जैसा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उस पर क्या अफेक्ट पड़ सकता है? अब उसमें जो है बाबा जो लोग हैं ये किसी एक पार्टी के तो मतलब वो मुझे नहीं लगता है अगर जो अनुयायी होंगे उनके, लेकिन उनका वो भी अनुयायी फर्क तो पड़ना ही है, निश्चित रूप से पड़ना पड़ेगा उसमें पड़ेगा। इस चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर आगे का क्या आपका क्रियाकर्म? देखिए ऐसा है कि हमारे देश की जो स्थिति है जो बहुत साल जो अभी 71 साल हमारे आजादी के हो गए चल रहा है, तो 47 से लेकर आज तक जिस स्थिति पे आए हैं जो कि 4 साल 5 साल नहीं आए ये जो आए हैं ये आगे चलकर ये विश्व में अच्छी स्थिति भारत की बनना है देश की बनना है ये सुनिश्चित है। मतलब जो विश्व गुरु बनने की जो हमारी कल्पना है वो साकार होगी ही निश्चित रूप से। सर मैं आखिरी मेरा क्वेश्चन ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी ज्योतिषी आधार पर वैज्ञानिक आधार पर आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव का कुछ परिवर्तन दो शब्द में सर? देखो मैं कोई सलाह देने तो नहीं दूंगा, मैं तो अपने भविष्य नाते जो भविष्यवाणी की जाती ज्योतिष के आधार पर उसके अनुसार मैं जितना भी मैंने जो पूरा भारत के नक्शे को लेकर जो ग्रहों की स्थिति और जो राशियों के दिशा निर्देश होते हैं उसके आधार चुनाव का आपने बताया उसके हिसाब से मैं बिल्कुल लेने
जो अपनी भविष्यवाणी के लिए मैं आश्वस्त हूँ कि सत्ता पक्ष को भारी नुकसान होने वाला है, तो इसलिए सत्ता परिवर्तन की पूर्ण संभावना है। तो ऐसे गेस्ट हम आपको लगातार मिलाते रहेंगे, आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।